साढ़े जेड़े महापुरश ना आपू जंदे न मिलिटेंसी विक्टिम्स की अपॉइंटमेंट आर्डर लेइए उंदे घर ते मैं गुजारिश करंग एलजी साहब तुसें हाथ जोड़िए बगैर कुसे मजाक दे सीरियस नोट उपर मैं तुसें रिक्वेस्ट कराना प्लीज इंदे घर आओ इंदी हालत दिखो दीपू दे घरे आले दी हालत दिखो ए मैं रिक्वेस्ट करें जुलकर जी दसो इंदे कोठू दसो ठीक है ए कोठू देखो इंदे महापुरश जी मेरी गुजारिश है घर दे एक नफर की भावे दीपू दी लाड़ी है भावे दीपू दा भरा है बेशक इसी नहीं लभदा लेकिन कुछ नौकरियां जिंदे च पोस्ट आइडेंटीफाई कीती दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ओ कोई भी जड़ी पोस्ट है कोई क्लास फोर दी जड़ी है इन्हें कोई अफसर तो लगना नहीं बेचारे लेकिन ताकि इंदा कोई खान पीन दा सिलसिला चला एल जी साहब मैं और किश नहीं तुसे अज आख सिर्फ ये है कि जेकी एस आर ओ 43 दे तहत दीपू दे परिवार दा कुसे भी बंदे भाए दे भरा की ए दीपू दी लाड़ी बैठी दी है जेड़ी प्रेगनेंट है फैमिली बेच है इन्हें क्या दिखा बेचारी ने अ मसा 2.5-3 साल हो ब्याह हो एल जी साहब तरस खाओ गरीबे उपर इथे आओ इथे थ्याल आओ बिल्कुल शैल सड़क है बिंद हारा कोई 100 मीटर पैदल है मेरी रिक्वेस्ट करना मैं तुसे एल जी साहब आओ इथे इस परिवार को लाओ तुस जंदे हो जगह जगह अस तुहाड़ी इज्जत करने बड़ी लेकिन दीपू दा घर भी आओ ताकि इन्हें लगे कि भाई इंदे घर दा नफर गया कुसे ही कोई फर्क पिया इस देश असे जान दिती है दीपू ने इस धरती असे जान दिती है दीपू ने मैं गुजारिश करना तुसे एल जी साहब इस परिवार दा ध्यान रखो इसी अडाप्ट करो और जेका तुसे कंपनसेशन मुआवजा दिता ना एक्स ग्रेशियो भी बड़ा घट है इंदा किश नहीं बनना 4-5 लाख ने इथों दे लोकल लीडर ने आर एस पठानिया साहब पठानिया साहब मी पूरा विश्वास है तुहाड़ा अपना इलाका है तुहाड़े अपने लोग न इंदा लोकें दा ध्यान रखियो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर मेरे बड़े भरा नो इथों दे एमपी नो मंत्री नो डॉक्टर साहब मैं तुसें भी हाथ जोड़िए प्रार्थना करना है प्लीज कोई टाइम कड्डो इंदे गरीबें आस्तै भी आओ इंदे आंसू पहुंचो आइए और अपने गुड ऑफिसेज डॉक्टर साहब यूज करो ताकि कुछ बने एदा मेरी इक्को रिक्वेस्ट है ए पैसे मुकी जांदे 2-4 लाख रुपया कोई नौकरी लाओ क्लास फोर या इहदी लाड़ी दी या इदे भरा दी मैं फिर तुसे आखा ना कानून च बड़ी गुंजाइश है अगर इहदियां अखां नहीं ना फिर भी कोई नौकरी सी दित्ती जाई सकदी है मैं इहो गल आखां बाकी राजू जी अस तुहाडे कन्ने आ अस जम्मू दा आए आं स्पैशली ठीक है लेकिन कोशिश करगे साढ़े कोला जो कानूनी सहायता भी होग ना साढ़े कन्ने बड़े लोग न अस कल्ले नहीं आ ए नहीं आ कि असें सिरा अज आना असें दोबारा भी आना तुहाडे कोल तुहाडी गल करनी है ठीक है तुस अपने आप गी कल्ले नहीं समझना ठीक है ते मैं ए साक्षी जी मेरे कन्ने बैठी दी आ जोकर जी मैं चाहना कि दो गल्लां साक्षी जी ए उसे आपकी आंखों के सामने सारा वाकया हुआ है आपने बताया मैं सुबह एक वीडियो भी देख रहा था कि किस तरह वो रात को 8:30-9 बजे पानी लेने के लिए क्या मामला क्या था वो रात को ऐसे गए थे मतलब दुकान पे गए थे पानी लाने के लिए गए थे वो कुछ थोड़ी देर पहले उन्होंने खाना ला के उन्होंने टेबल पे रखा अंदर कि मेरे पास पानी नहीं है मैं पानी लेके आता हूँ दूध वगैरह लेके आता हूँ पीने के लिए तो वो रात को गए कोई 9 बजे करीब गए दुकान पे दूध लेने के लिए और पानी लेने के लिए गए वहाँ पे वो जब उन्होंने गए आके उन्होंने जाके बोला कि मेरे साथ में कोई बंदे को बोला ना मेरे साथ में चलो पानी लेने के लिए तो वहाँ से वो कोई नहीं गया उनके साथ में पानी लेने के लिए तो वो जब से वापसी में आने लगे वहाँ से तो गेट के कोई 5 मिनट का रास्ता था वहाँ पे पुल के ऊपर में जब उनको पहली गोलियां वगैरह बची थी उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ आके तो उनको बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं गया था तो मैंने उनकी आवाज पहचान ली थी कि इनकी ही आवाज है ये तो मैं भागते हुए वहाँ पे गई पर किसी ने कोई हेल्प नहीं की वहाँ पे उनको उठा के अस्पताल भी नहीं लेके गई थी जब उनकी डेथ हो गई थी तब उनको अस्पताल में वहाँ पे लेके गए उनको आप क्या सरकार से एलजी इंतजामिया से आप क्या डिमांड करते हैं क्या मांग करते हैं आपकी क्या आप चाहते क्या है क्या होना चाहिए हम ये चाहते हैं कि हमें आगे हमें नौकरी मिले कुछ और हम इसी जगह में इधर ही रहे हम
देखू कि यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे अभी मेरा जेठ है वो भी बीमार है, उनको नहीं दिखाई देता है। मेरे जो ससुर जी है वो भी नहीं सुन सकते है, वो चल भी नहीं पाते है, वो उनको आंखों से भी कम दिखता है, उनको सुनाई भी कम देता है। हम दो जनानियां क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे हम अपना आगे वो करेंगे, आगे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी। सुप्रिया जी, आप भी जम्मू से आप हमारे साथ आए हैं, आपने खुद इनके हालात देख लिए हैं, क्या कहेंगे आप और एलजी इंतजामिया से क्या गुहार लगाएंगे? मैं तो यही कहूंगी, पहले तो मुझे लगता है यहाँ बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बड़ा गमगीन माहौल है। और अगर जैसे आपने दिखाया कि इनके घर एक्चुअली में जो हम कहते हैं ना कि अंत्योदय अन्न योजना, जब कभी उनको डिफाइन किया गया कि किन किन को वो स्कीमें देनी, मुझे लग रहा है ये मुझे लग रहा है उससे भी नहीं, वो जो जेसीएपीडी की आती है स्कीम की, कितना राशन 1 रुपया किलो, चीनी 1 रुपया, मुझे लग रहा है ये उससे भी नीचे के स्तर के लोग हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि एलजी साहब खुद यहाँ आए, बिकॉज ही इज ये एक मार्टियर है, एक शहीद है। हर दिन ये कहा जाता है कि जो भी मिलिटेंसी का विक्टिम है वो एक शहीद है, और ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है इस छोटी सी बच्ची के लिए। शी मस्ट बी वेरी यंग, कि शी इज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी, इट्स हर 9th मंथ। तो आप सोचें कि वो अब आने वाले बच्चे की खुशी मनानी है कि जाने वाले का दुख है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आना चाहिए, और एक जेन्युइन और फिट केस है जहाँ जितनी सहायता हो सके उतनी करनी चाहिए, क्योंकि आप अब इनका इंसान वो शख्स वापस नहीं ला सकते जो घर का सोल ब्रेड अर्नर था, विनर था। सब जो लोग हैं वो सब अलग से, कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा कि हाँ जो यहाँ से निकल के, बहुत बड़ी बात है। एक तो शहर से बिल्कुल अलग इलाका है, एक्सक्लूडेड प्लेस है, यहाँ आम इंसान नहीं पहुंच सकता। मुझे लगता है मैं पता नहीं कैसे पहुंच पाई हूँ, बहुत मुश्किल है पहुंचना। एलजी साहब, अपने डीसी साहब, ये लोग सारे हैं, हम देखते हैं राजौरी में वहां जब किलिंग्स हुई थी, डांगरी में, यस डांगरी वाले, तो एलजी साहब नए उन्होंने तब ज्वाइन किया था, तो वो पैदल चढ़ के ढक्की गए थे। ये तो थोड़ा सा यहाँ गाड़ियां रुकेंगी, उतर के आना है, इनकी हौसला अफजाई होगी, उससे भी ज्यादा है कि आप इनको जो इनको चीजें देनी है। और आप देखें कि मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विक्टिमाइजेशन कुछ हो सकती है। जाने वाला तो, मारने वालों ने तो मार दिया जाने वाले को, आप सोचेंगे तिल तिल मर रहे होंगे जो पीछे बचे हैं। ब्रदर इज ऑलमोस्ट विजुअली डिसेबल्ड, मदर मैं देख रही हूँ एकदम गला बैठ चुका है, बस भी रोती रहती होंगी। बड़ी भाभी है उनकी, दीपू जी की, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, बड़ा अजीब सा माहौल है। तो इन लोगों की यही हेल्प हो सकती है कि एक इनका इकोनॉमिकली ये थोड़े साउंड हो जाएं, और नौकरी मिलेगी तभी होएंगे। सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि 4-5 लाख आज नहीं, इनके लेवल के अगर चलना हो तो साल में खत्म हो जाएंगे। तो कोशिश ये कि होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन आए और इन लोगों को इनकी हेल्प करे। एलजी साहब यहाँ आए, एक मिसाल क्रिएट करें कि जहां भी ऐसी विक्टिमाइजेशन होगी वहां हमारी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पहुंचना चाहिए। मैं कहने को बहुत कुछ है लेकिन आज आवाज जो है वो साथ नहीं दे रही। मैं आखिर में अपनी रियासत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मैं जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि सीरियस नोट पे इस मसले को कंसीडर कीजिए। ये गरीब हैं, ये मुझे मालूम है कि ये इनकी एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एलजी साहब इनके लिए बात करने वाला कोई नहीं होगा, मुझे मालूम है। 1-2 दिन बयानबाजी चलेगी, उसके बाद कोई इनको पूछने नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दीपू सोल ब्रेड विनर था अपनी फैमिली का,